नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं EMI के लॉटरी क्रिएट रिश्ता ऐप्स में अपना जो है पॉइंट रिडीम कैसे करेंगे और उसे अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट फ्रेंड, और जान लेते हैं कि ऐसा प्रोसेस हम कैसे करेंगे। तो मैं एक कार्ड अपने फ्रेंड से मंगाया व्हाट्सएप के थ्रू, तो चलिए पहले मैं उस कार्ड को दिखा देता हूँ फ्रेंड। तो आप इससे देख सकते हैं फ्रेंड, एक कार्ड वो कार्ड है जो जिसे रिडीम करना है। तो इसके लिए फ्रेंड, रिडीम करने के लिए आपको फ्रेंड करना होगा, फ्रेंड आपको जाना होगा अपने किसी एक स्कैनर में, जैसे भी आपके मोबाइल में कोई भी स्कैनर हो तो उसे आप ओपन कर लीजिए फ्रेंड। तो मेरे फ़ोन में ये स्कैनर है तो सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड। तो इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड। अब यहाँ पे नीचे गैलरी का ऑप्शन है, सिंपली इस पर टाइप कर देना हो फ्रेंड। इस पर जैसे टाइप करेंगे तो आपकी गैलरी में ले जाएगा फ्रेंड। अब उस इमेज को आपको सिंपली चूज कर लेना होगा फ्रेंड। तो जैसे मैं इसे चूज करूँगा तो उसमें जो कोड है तो यहाँ पर शो हो जाता फ्रेंड। अब इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड। अब कॉपी करने के बाद सीधे जाना होगा अपने EMI इलेक्ट्रिक क्रिएट रिश्ता एप्लीकेशन में। तो चलिए मेरा एप्लीकेशन कहाँ है, मैं इसे ढूंढ के यहाँ से ओपन करता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड आपको इस पर टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद इस ऐप्स के अंतर्गत कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पॉइंट बैलेंस एंड एंड पॉइंट्स, रिडीम पॉइंट्स एंड हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रेंड। आपको यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है तो सिंपली इस ऐड वाले पॉइंट पे आपको सिंपली टैप करना होगा फ्रेंड। यहाँ पे ऐड वाले पॉइंट है तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट बैलेंस, ऐड पॉइंट्स एंड रिडीम पॉइंट्स एंड हिस्ट्री। तो आपको यहाँ पे ऐड वाले पॉइंट वाले ऑप्शन पे सिंपली टैप करना होगा। तो चलिए मैं इस पर टैप करके यहाँ पे पॉइंट में रिडीम करता हूँ। अब फ्रेंड यदि आपके पास वो कोड है, कार्ड है, तो डायरेक्ट यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। बट आपके पास कोड नहीं है, केवल वो कार्ड नहीं है, सिर्फ कोड है, तो आपको यहाँ पे इंटर वाले कोड पे जहाँ है तो यहाँ पे प्रेस करेंगे, और जो मैंने अभी कोड कॉपी किया तो यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे प्रेस के यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे सिंपली मैं करता हूँ टैप। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो कोड है वो क्लेम हो चुका है। यहाँ पे क्लेम सक्सेसफुली हो चुका है फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं बैक करके दिखा देता हूँ मेरा कितना पॉइंट यहाँ पे ऐड हो चुका है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 115 यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट बैलेंस हो चुका फ्रेंड, यहाँ पे ऐड हो चुका फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से कैसे रिडीम करते हैं। तो रिडीम करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे रिडीम पॉइंट वाला ऑप्शन सिंपली इस पर आपको टैप करना होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट बैलेंस है, अब यहाँ पे रिडीम पॉइंट वाले ऑप्शन पर मैं करता हूँ टैप। टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे रिडीम पॉइंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ट्रांजेक्शन के साइड में आपको रिडीम पॉइंट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली आपको इस पर टैप करना होगा। तो जैसे ही टैप करेंगे तो यदि आप अपना बैंक अकाउंट में अपना बैलेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर एंड अकाउंट होल्डर नेम एंड IFSC कोड यहाँ पे इंटर करना होगा फ्रेंड। तो आपको इंटर करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा फ्रेंड। आपका जो है मनी यहाँ पे 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा फ्रेंड। तो इसके लिए फ्रेंड आपको यहाँ पे IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, आपका जो जिसका नाम है अकाउंट नंबर, तो सिंपली उस पर टाइप कर यहाँ पे डाल के आप कर सकते हैं फ्रेंड। तो लेकिन मुझे यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेटीएम में कैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे फ्रेंड। पेटीएम में ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रेंड आपको यहाँ पे एक अपना पेटीएम नंबर यहाँ पे ऐड करना होगा फ्रेंड। ऐड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पेटीएम नंबर यहाँ पे ऐड हो चुका फ्रेंड। अब यहाँ पे मुझे कितना यहाँ पे पॉइंट क्लेम करना है, सिंपली यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे सिंपली टाइप करना होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे बैंक और पेटीएम, बैंक एंड पेटीएम का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे पेटीएम पे टाइप करूँगा मैं, क्योंकि मुझे लेना है पेटीएम में। तो इस पर टाइप करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे OTP नंबर आएगा आपके मोबाइल पे, तो आपको यहाँ OTP नंबर मैसेज को थ्रू आएगा, तो सिंपली इस पर इंटर कर देना, इसमें इंटर करके यहाँ पे वेरीफाई कर देना होगा फ्रेंड। तो मेरा यहाँ पे OTP नंबर आ चुका है फ्रेंड। अब यहाँ पे मैं इंटर करके यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे सिंपली करता हूँ टाइप। तो जैसे टाइप करता हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो रिडीम है, रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस सक्सेसफुली हो चुका फ्रेंड। अब जो मेरा जो रिडीम है तो लग चुका फ्रेंड। अब यहाँ 24 घंटे के अंदर मेरे पेटीएम वॉलेट में पहुँच जाएगा फ्रेंड। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले से रिडीम किया था, वो पहुँचा कैसे है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पेटीएम में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा कैशबैक रिसीव हो चुका फ्रेंड, 150 का मैंने पहले यहाँ पर रिडीम किया था। तो इसी प्रकार से फ्रेंड आप यहां से जो है रिडीम कर सकते हैं फ्रेंड EMI के इलेक्ट्रिक रिश्ता एप्लीकेशन में। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले